और दीदी देख लेना, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, चारों तरफ कमल खिलेगा, तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़कर के भाग जाएंगे। दीदी देख लेना, आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है, आज भी। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का ये दावा क्या सच था? पीएम मोदी ने चुनावी हमले के दौरान ये दावा किया था। दावे को महज एक जुमला करार दिया गया था, लेकिन करीब 2.5 महीने बाद बीजेपी ने ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर जानकर न केवल कांग्रेस लेफ्ट बल्कि ममता बनर्जी की भी नींद उड़ गई होगी। विधायक देखो जरा दल छाड़ 107 विधायक दल छाड़ार प्रस्तुत हुए তৃণমূল আছে, সিপিএম আছে, কংগ্রেস আছে, সব মিলিয়ে আছে 107টা। বেশি তৃণমূল, স্বাভাবিক সংখ্যা ওদের বেশি। सियासी फायदे नुकसान के लिए आया राम गया राम वाली कहावत आम है, लेकिन यहाँ तो एक दो नहीं 107 विधायकों के पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी नेता मुकुल रॉय के इस दावे में कितनी सच्चाई है इस बात पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन गोवा कांग्रेस के अनुभव से पश्चिम बंगाल बीजेपी का ये दावा कुछ हद तक जरूर भूचाल ला सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। विधायक देखो जरा दल छाड़ 107 विधायक दल छाड़ार प्रस्तुत हुए। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 सीट पर सिमट गई थी। कांग्रेस 44 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, तो लेफ्ट को महज 26 सीट पर संतोष करना पड़ा था। अब अगर बीजेपी के दावे को सच मान लिया जाए और कांग्रेस लेफ्ट और टीएमसी के 107 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो भी बीजेपी के सदस्यों की संख्या 110 होगी, जो बहुमत के आंकड़े 148 से काफी दूर है। ऐसे में ममता सरकार को फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि इन 107 विधायकों में से ममता बनर्जी के कितने विधायक शामिल होंगे। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।